अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर जी आमना की फ्रेंड है, 3 बजे आई थी, तो कभी कभार आ जाती है, तो खेल रही हैं आमना इसके साथ। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अच्छा, इनका रोज़ा नहीं था तो इनको मैं साथ ही साथ कोई स्वीट वगैरह कोई चीज़ खाने के लिए दे रही थी, और साथ ही साथ पूछ रही थी कि आपको भूख तो नहीं लगी है। तो ज़ाहिर आमना को और इसकी फ्रेंड का रोज़ा नहीं था, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं अमना असद। और मुझे ना कमेंट भी आया था कि आप ही वीडियो बच्चों की नहीं बनाती या बनाया करें, तो यहाँ पर थैंक यू पहले तो। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है हमारा, धूप निकली हुई है, और ये कभी कभार वैसे होता है कि धूप निकले, तो काफ़ी बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। स्कूल से वापस आए हैं तो जो है वो थोड़ा सा रेस्ट किया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर जी मुझे अपना ज़माना याद आ गया, जैसे हम खेलते थे अपनी फ्रेंड के साथ, तो ऐसे ही हम ना भी खेल रही है और खेल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जी छोटी सी ग्रोसरी भी आ गई, और ये दूध जो है वो एक ही पैकेट्स पड़ा हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो सैरी के टाइम जब मैंने इनको लस्सी बना के दी है तो इनको याद था, तो मुझे याद नहीं था कि ये गए हैं आइकिया गए हैं, तो या मैं इनको बोलूँ कि दूध लेकर आना है वापसी पे। और मैंने कहा कि आपको कैसे याद आया कि दूध जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो आपने लेकर आना है, तो कह रहे थे कि सुबह के टाइम आपने तो खुद ही कहा था कि दूध ख़त्म हुआ है लेकर आना है, और इनको इतना याद था ना। खैर, दूध भी आ गया, ग्रोसरी भी छोटी सी आ गई, और यहाँ पर जी जो टैपी है वो उसने अपने कमरे में रूम में बिछा दिया, और थोड़ा सा बड़ा था तो, लेकिन ये बेड के नीचे थोड़ा सा किया है क्योंकि डोर जो है वो खुल नहीं थी रही। अच्छा, यहाँ पर जी बच्चे अपना सपारा याद करेंगे और ऑनलाइन पढ़ते हैं सपारा व्हाट्सएप पे, और मैं कह रही थी कि जल्दी से बस याद करें, टाइम भी इनका हो चुका है, और इस टाइम फिर मैं इनको बिठा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई हूँ और अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर जी मैंने आज चिकन बनाना है रोस्ट, तो इसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर और ऐसे मैंने टक्स लगा ली हैं, और यहाँ पर जी मसाले जो मैंने डाले हैं बेसिक मसाले हैं और हर घर में मौजूद होते हैं, तो ज़्यादा मैं स्पाइसी आज नहीं बनाऊंगी, और हल्के से मसाले मैंने इसमें रखने हैं, ज़्यादा नहीं, और जो मसाले मैंने डाले हैं वो भी बता दूं आपको। अच्छा जी, एक ही चम्मच मैंने हल्दी ली है, और एक चम्मच मैंने लाल कुटी मिर्च, और एक चम्मच लाल पीसी मिर्च, और एक चम्मच गर्म मसाला, नमक एक चम्मच, और योगर्ट मैंने 2 चम्मच ली है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें जी ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश लींबूस है वो डाल सकते हैं, तो मेरे पास ये ज़ाफ्ट था, जूस लींबूस था, वो डाल दिया मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर, और मैंने ओवन में रख देना है, 20 मिनट मुझे चाहिए, और ओवन मैंने जो है वो पहले मैंने ऑन कर लिया था और हाई सीट पे, और यहाँ पर जी मैंने ओवन में रख देना है बस, और साथ मैंने जी आलू बनाने हैं, और बच्चे जो हैं उनको टोमेटोस बहुत ही पसंद है आलू, तो प्याज जो हैं वो भी मैंने काट लिए हैं, और मसाले जो हैं वो मैंने आधी आधी चम्मच से भी थोड़े मैंने डाले हैं, वही डाले हैं जो मैंने चिकन में डाले हैं मसाले,
तो अच्छा, ये नए आलू हैं तो इनका छिलका जो है ना वो बड़ा पतला सा होता है, तो ज़रूरत नहीं है कि अच्छे तरीके से पहले मैंने तो धोए हैं, धोकर और छिलका इनका मैंने नहीं उतारा है, तो ऐसे मैंने काट ली हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और प्याज भी मैंने ऐसे गोलाई में काटे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ओवन में रख दूँगी, जैसे मैंने चिकन रखा है, तो साथ ही साथ मैं चिकन देख रही थी। और ये भी अच्छा, चिकन जो है थोड़ी सी लेट बनता है चिकन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है चिकन पे, चिकन को। और जो है ना आलू जोन से है वो टपेट जो आलू जोन से है वो तो जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर जी मैंने सैलेट बना लेना है, तो सैलेट जोन से है वो खीरा ले लें आप, और मैंने जो है शिमला मिर्च है रेड कलर की, और ग्रीन जो भी पसंद है आपको आप ले लें। तो मुझे तो ग्रीन कलरफुल जो है ना सैलेड बहुत ही पसंद है। और साथ ही साथ जी मैं देख रही थी कितना मुझे टाइम लग रहा है इसको, तो थोड़ा सा 20 मिनट से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा लगा है। और यहाँ पर जी ये जो पैकेट्स मैं दिखा रही हूँ, इतना मज़े का ये खट्टा सा इसका जायका होता है, तो ये डालकर और थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है, तो इतना मज़े का ये सैलेड बन जाएगा। तो साथ ही साथ फिर मैं और भी काम कर रही थी। अच्छा, सैलड जोन से वो बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो अफ्तारी में अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट जोन सी है वो मैं सिंपल सी बनाती हूँ। वैसे तो उसमें जितने ज़्यादा आप फ्रूट डालेंगे तो उतने मज़े की बनेगी। और मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ जो अफ्तारी के टाइम बच्चे खा लें तो बाद में भी खा लेते हैं, तो ज़ाया चीज़ मैं नहीं करती हूँ। तो ज़ाया कोई भी चीज़ हो तो वो मुझे पसंद नहीं है कि ज़ाया कोई चीज़ होगी तो बच्चे खा लेते हैं, ख़त्म हो जाती है। वही चीज़ें मैं बनाती हूँ जो यूज़ हो जाएँ उसी वक्त, ख़त्म हो जाएँ, खैर उसी वक्त तो नहीं ख़त्म हो जाएँ, थोड़ा थोड़ा सा वो खाते रहते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर जी मैंने फ्रूट चाट जो है वो मैंने आज थोड़ी सी डिफरेंट मैं बना रही हूँ, तो ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ इसमें, थोड़े से बादाम मैंने डाले हैं और अखरोट मैंने डाले हैं इसमें, और खजूर मैंने इसमें डाली है, और फ्रूट जो उनसे है वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो जितना आपको पसंद है फ्रूट ज़्यादा डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जी मैंने योगर्ट 1 चम्मच मैंने योगर्ट लिया है, और चीनी जो है वो मैं 1 लूँगी, 1 मैंने ली है और चम्मच, और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। तो यकीन माने इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट बनती है ऐसे। तो अच्छा, जो योगर्ट जो है ना वो हमारा बड़ा मज़े का योगर्ट है, क्रीमी सा, वो मैं डालती हूँ हमेशा इसमें योगर्ट। तो यहाँ पर बस हर तरीका होता है अपना अपना बनाने का, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ तो काफ़ी मज़े की बनती है फ्रूट चाट। और यहाँ पर जी मेरी बन गई है, तो ये चीज़ें जो है ना वो मैं पहले बना कर फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, तो फिर जल्दी काम हो जाता है ना। अच्छा जी, अभी 20 मिनट रहते हैं अफ्तारी में, और यहाँ पर जी मैं आपको टेबल की लुक दिखाती हूँ कि कैसा मैंने सारी चीज़ें रखी हैं।
तो यहाँ पर जी ये देखें, फाइनली लुक यही है मेरी मेज़ की। और खजूर भी मैंने रख दी, सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, सैलड और फ्रूट चाट और जो मैंने टोमेटो आलू जो बनाए थे वो भी रख दिए हैं, और कबाब भी। और यहाँ पर जी अपनी अपनी सारी प्लेट्स बनाएंगे और फिर रफ्तारी करेंगे हम। अच्छा जी, इफ्तारी हम कर रहे हैं अभी और बस नमाज़ पढ़ेंगे अभी, और वीडियो का जी मैं एंड करूँगी। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो थैंक यू सो मच आप सबका। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी हमेशा आपको याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। थैंक यू सो मच आप सबका, अल्लाह हाफिज़।